लॉन्च कंट्रोल ऑन करके इन 3, 2, 1 मोड कौन सी है यहाँ पे मिल जाता है आप लोगों को ट्रैक रेन और स्ट्रीट। सो गाइस टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल बाइक विद अस द ड्यूक 390 जेन 3। एक्चुअली ये जो बाइक है ये बाइक मेरे दोस्त एल्सन की है जो कि माईबंग में रहता है और आज कुछ काम से वो यहाँ पे आया है। ये बाइक जो है अब तक हमारे चैनल पे शोकेस हुई नहीं है। एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास जो है बहुत ज्यादा धमाकेदार बाइक आई है। आज हमारे पास है KTM Duke 390 Gen 3 और इसका आज हम लोग एक छोटा मोटा सा राइड रिव्यू लेने वाले हैं, गाड़ी को चलाने वाले और देखने वाले कि गाड़ी चलने में किस तरह है। वैसे फ्रंट से अगर यहाँ पे आप लोगों को देखो तो यहाँ पे ये जो प्लास्टिक का जो पैनल है इसको चेंज किया गया है। ये टैंक का शाउट जो है ये अभी बहुत ज्यादा बल्कि लगता है। फ्रंट से तो गाड़ी बहुत ज्यादा अलग लगती है और पूरी ही गाड़ी अलग हो चुकी है, पहले की तरह नहीं है। हमारे वर्जन में जिस तरह चेंजेस हुई करती थी थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ, बट इसमें जो है ये प्रॉपर चेंज हुई है। कुछ भी इसमें पुरानी वाली बात नहीं है, सब कुछ नया हो चुका है। इवन तो द इंजन यहाँ पे देख सकते हैं LC4C इंजन आती है अभी इसमें। यहाँ पे आप लोग अगर रेडिएटर देखो तो रेडिएटर में यहाँ पे डुअल फैन दिया गया है। ये जो गाड़ी है गाड़ी का लुक्स बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो चुका है। गाड़ी अभी पहले से और ज़्यादा बल्कि लगती है और ज़्यादा बड़ी लगती है। इवन तो इसका जो इंजन का जो सीसी है पुराने वाले वर्जन में 373 cc का इंजन मिलता था, बट इसमें 399 cc का इंजन मिलता है जो कि पावर और थोड़ा ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। यहाँ पे आप लोग खुद ही देख सकते हैं 398 cc का पावर बनाती है गाड़ी। और मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, फ्रंट से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हेडलाइट भी चेंज किया गया है। इवन तो द TFT ऑल्सो है चेंज। और सबसे बड़ी चीज़ जो है ये TFT का जो विजिबिलिटी है बहुत ज़्यादा बढ़िया है, वॉकिंग 390 यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो गाड़ी है गाड़ी में बहुत सारे मोड्स हैं। मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, मैं अभी रास्ते से जब चला के आ रहा था गाड़ी को तब मैं कंफ्यूज हो गया कि इसमें कौन सी मोड्स है। यहाँ पे जो ये स्विच गियर का जो बटन है ये भी चेंज हो चुका है, ये जो किल स्विच का जो बटन है ये भी चेंज हो चुका है और ज़्यादा प्रीमियम हो चुका है। यहाँ देख सकते हैं किल स्विच का जो ये स्विच है ये अलग है अभी, और सेल्फ का बटन भी अलग है। सीट भी बहुत ज़्यादा अलग हो चुके हैं, पीछे वाला सीट बड़ा हो चुका है पहले से। प्रॉपर ग्रैब रेल्स के साथ गाड़ी आती है अभी। और पीछे का जो टायर है वो अपोलो अल्फा H1 150 सेक्शन का टायर है। और ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी में अगर आप लोगों का जो नज़र वो किस चीज़ में पड़ेगा वो है इसका सस्पेंशन। अभी सस्पेंशन अभी साइड माउंटेड सस्पेंशन दिया गया है। पहले हमारे वर्जन में सस्पेंशन बीच में होता था बट अभी साइड में सस्पेंशन आती है। इवन तो यहाँ से आप लोग इसको सॉफ्ट और हार्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। एक स्क्रू ड्राइवर लेना है, बस इसको सॉफ्ट और हार्ड में आप लोग पुश करके इसको सॉफ्ट या फिर हार्ड बना सकते हो। हमारे वर्जन में कूलेंट का जो टैंक होता था वो यहाँ पे आता था, बट अभी कूलेंट का टैंक यहाँ पे आता है। ये एक तरफ से सही है क्योंकि हमारे वाले में कूलेंट जब हम लोग डालते हैं तब यहाँ वहाँ गिर जाती है, बट इसमें कूलेंट नहीं गिरेगी। लीवर्स ऑल्सो हैव बीन चेंज। लीवर्स अभी यहाँ से एडजस्टेबल होती है, पहले वाले में यहाँ से एडजस्ट होता था, अभी इसमें यहाँ से एडजस्टेबल होती है। ये जो गाड़ी है इसमें अभी भी आप लोगों को राइड बाय वायर का सिस्टम देखने को मिलता है। ये फ्रंट आप लोग देख सकते हैं, फ्रंट में आप लोगों को सेम वही 320mm का डिस्क देखने को मिलता है। और मास रिडक्शन बहुत ज़्यादा हुई है, ये जो बीच का जो हिस्सा है सब कुछ हटा दिया गया है, बस एक पतला सा डिस्क दिया गया है जिससे मतलब वेट गाड़ी का मेंटेन हो सके। बट एक चीज़ जो इस चीज़ में मुझे पसंद नहीं आता है वो है इसका एग्जॉस्ट। यहाँ पे एग्जॉस्ट पहले यहाँ से आता था। जब आपके गाड़ी में साइड माउंटेड एग्जॉस्ट आती है तब क्या होता है, गाड़ी थोड़ा बहुत बल्कि फील आती है या फिर दूर से भी देखने में ऐसा लगता है, बट इसमें जो है एग्जॉस्ट डायरेक्ट नीचे तक कर दिया गया है। मतलब BS3 में जिस तरह आती थी वैसा ही सेम उन लोगों ने Gen 3 में सोच लिया और वैसा ही कर दिया है। कोई बात नहीं, इस तरफ हम लोग अगर आते हैं तो इसका मेन पॉइंट है वो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में बहुत सारी चीज़ें दी गई है। अभी एक चीज़ जो एड ऑन किया गया है वो है हैजर्ड स्विच। ये हैजर्ड लाइट ऑटोमेटिकली अभी कंपनी से ही आती है हैजर्ड लाइट गाड़ी में। यहाँ पे देख सकते हैं पहले ये जो बटन है ये बटन नहीं आया करती थी, बट अभी ये वाला बटन जो है यहाँ पे ऐड कर दिया गया था। ये है पाथ लाइट, अपर डिपर, और ये है इसका हॉर्न, ये है इसका इंडिकेटर, और ये है सारे कंट्रोल स्विच
इससे आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं इसको। अगर हम लोग प्रेस करें तो लैप टाइमर, डिलीट ऑल लैप्स, लैप ऑन, लैप टू, बहुत कुछ है इस गाड़ी में। नीचे जाए तो मोटरसाइकिल मिल जाता है, राइट मोड, एबीएस, मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल। एक बार हम लोग लॉन्च करके भी इस गाड़ी को देखेंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा उसमें भी। बाइक इन्फो, ट्रिप वन, ट्रिप टू, यहाँ पे आप लोगों को सेटिंग्स दिखाई देता है। सेटिंग्स में अगर आप लोग जाए तो क्विक सेलेक्टर, कनेक्टिविटी, इससे आप लोग ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं। क्विक शिफ्टर, क्विक शिफ्टर इज ऑन। इसके बाद यस, क्विक शिफ्टर इज ऑन। शिफ्ट लाइट, शिफ्ट लाइट तो हमारे वाले में भी आता था। और यहाँ पर हम लोग बैक अगर जाए तो मुझे इंटरेस्ट है इस चीज़ में। राइड मोड, राइड मोड कौन सी है, यहाँ पे मिल जाता है आप लोगों को ट्रैक, रेन और स्ट्रीट। सबसे ज़्यादा पावर शायद ट्रैक में बनाती है, उसके बाद स्ट्रीट और उसके बाद रेन। हम लोग इसको रख देते हैं ट्रैक मोड में। एबीएस जो है, एबीएस रोड मोड में है, आप लोग इसको ऑफ भी कर सकते हो, नहीं ऑफ नहीं कर सकते, बस सुपर मोटो मोड में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद एमटीसी मतलब मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल, ये तो ऑन रहना ही पड़ेगा, या फिर आप लोग इसको ऑफ भी कर सकते हो। आफ्टर दैट लॉन्च कंट्रोल, लेट्स सी। यस, लॉन्च कंट्रोल इज ऑन। हम लोग एक बार गाड़ी को लॉन्च करके देखेंगे। मुझे ज़्यादा बताना नहीं है इस गाड़ी के बारे में, क्योंकि KTM हमने बहुत ज़्यादा चलाई है। और मैं अभी बस इसको जब चला के आया हूँ, तब मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि इस गाड़ी का जो है गियरबॉक्स और भी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो चुका है। बस इसका जो सीटिंग पोस्चर है वो थोड़ा मुझे क्रैम्पी लगा, मतलब मेरे जो पैर हैं वो यहाँ पे अटक रहे थे उस तरफ गियर के साइड में। ऑन द अदर हैंड बाकी सब कुछ बढ़िया है, गाड़ी का हैंडलिंग भी चेंज हो चुका है। बट एक चीज़ जो मुझे बुरा लगा वो इसका हैंडल बार, हैंडल बार थोड़ा सा छोटा हो चुका है। पहले वाले में हैंडल बार थोड़ा वाइड आता था, बट इसमें हैंडल बार थोड़ा सा छोटा छोटा मुझे ऐसा फील आया। ये जो है ये तो ऐसे ही शो के लिए है, इसका कुछ काम है नहीं। इसके अंदर स्टिंग डाला हुआ है। फ्रंट का जो सस्पेंशन है वो अभी WP Apex का आता है, और यहाँ पे आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं ये चीज़, कंप्रेशन यहाँ से और यहाँ से रिबाउंड मे बी। यस, यहाँ से रिबाउंड आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो देख रहे हैं REB मतलब रिबाउंड, और ये है इसका नॉब, और यहाँ पे कंप्रेशन। ये चीज़ बढ़िया है, अगर आप लोग अपने बाइक में चाहो तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए बस आप लोगों को सस्पेंशन चेंज करना पड़ेगा, दोनों ही सस्पेंशन अपने जेन 2 में। और DRL तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, यहाँ पे वाइट, यहाँ पे रैप किया गया है ब्लू में। और ऑन द अदर हैंड गाड़ी तो देखने में कुछ इस तरह है, गाड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हम लोग जल्द से जल्द गाड़ी को चलाते हैं, एक बार आप लोगों को एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ गाड़ी का। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम लोग गाड़ी को चलाते हैं, और इसका कॉकपिट का जो नज़ारा है वो मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा, क्योंकि ये पूरा गेमिंग कंसोल की तरह लगता है, और हम लोग बहुत ही आगे अभी बैठते हैं। गाड़ी को लगा देते हैं ट्रैक मोड में, क्योंकि विदाउट ट्रैक मोड मज़ा नहीं आएगा। और गाड़ी का जो फैन है वो कुछ देर बाद बार बार चलने लगती है, गाड़ी बहुत ज़्यादा हीटअप होती है एज सच मुझे फील हो रहा है। अभी इसका क्विक शिफ्टर मुझे चेक करना पड़ेगा सबसे पहले, लेट्स सी। अरे वाह, ये तो बहुत ज़्यादा स्मूथ है। BS6 से ये जो है इसका क्विक शिफ्टर लाख लाख गुना ज़्यादा स्मूथ है। अरे यार, दिस इज सो स्मूथ। अभी एक जगह मुझे चाहिए जहाँ पे मैं इसको लॉन्च कर सकूँ, क्योंकि इसमें लॉन्च कंट्रोल है तो लॉन्च तो करना बनता ही है। यार दिस इज सो स्मूथ, फोर्थ गियर इतना इजीली। माय गॉड, क्या भागती है यार, ये तो पुरानी वाली से बहुत ज्यादा भागती है। मुझे ऐसा फील नहीं हुआ था पहले, बट अभी सच में मैं मुस्कुरा रहा हूँ अंदर ही अंदर से। भाई साहब, दिस इज ट्रेमेंडस मैन, दिस इज ट्रेमेंडस। मैं लव्स में आप लोगों को बयां नहीं कर सकता हूँ कि ये गाड़ी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। बस मुझे क्विक शिफ्टर थोड़ा बहुत लैगी लग रहा है अभी तो, क्योंकि हर वक्त सही से काम नहीं कर रही है। ट्रैक्शन कंट्रोल कर देते हैं ऑफ, आपका भाई है तो ट्रैक्शन कंट्रोल की कोई ज़रूरत है नहीं हमें। अब
ही जाके मजा आ रहा है यार। हम लोग ज्यादा दूर नहीं जाएंगे एज यूजुअल, जैसे हमेशा जाते हैं वो वाला एक ही रोड है जहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत भगा पाते हैं, वहाँ पे भगा के आते हैं गाड़ी को। यार फीचर बहुत ज्यादा है, ट्रैक्शन कंट्रोल को कर दिया हमने ऑफ, लॉन्च कंट्रोल है ऑन, ABS इन रोड मोड और हम लोग ट्रैक मोड में अभी। लेट्स सी हाउ फास्ट दिस बीस्ट गोस। ये देखिए कभी कभार क्विक शिफ्टर काम नहीं करती है, तो क्विक शिफ्टर इससे बिट लैगी, बट ये जो है लोअर RPMs में ज़्यादा अच्छा काम करती है, हायर RPMs में अच्छे से काम करना चाहिए था बट ये काम नहीं करती है हायर RPMs में। ये देखिए अभी काम कर रही है फिर से। यार सच में 398 cc होने के बाद तो ये तबाही मचा रही है। ओ माई गॉड, जैसी भी किसी और को बचाने के चक्कर में खुद फंस गई है। दिस मशीन इज पावरफुल मैन। इतने दिनों से 390, 250, 200 ये सब चला चला के मैं बोर हो गया था, बट आज बहुत दिनों के बाद ये बहुत ज़्यादा मज़ा दे रही है। लेट्स ट्राई टू लॉन्च दिस व्हीकल एंड सी हाउ फास्ट दिस मशीन गोस। अभी हम लोग है लॉन्च कंट्रोल ऑन करके, अभी गाड़ी में लॉन्च कंट्रोल ऑन किया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल को मैंने कर दिया है ऑफ। लेट्स सी हाउ फास्ट दिस मशीन गोस इन 3, 2, 1। इससे बढ़िया लॉन्च तो मैं कर दूंगा यार। इलेक्ट्रॉनिक्स होने के कारण लॉन्च को और ज्यादा धीमा कर देती है। ये फिर से देखना, लेट्स सी वंस अगेन इन 2, 1। दिस मशीन पुल्स वेरी हार्ड मैन। लॉन्च कंट्रोल के साथ एक बार टेस्ट कर लिया, अभी एक बार लॉन्च कंट्रोल ऑफ करके हम लोग टेस्ट करेंगे। नहीं चाहिए आपको मुझे। लेट्स सी विदाउट लॉन्च कंट्रोल इन 3, 2, 1। वेरी हार्ड एंड फास्ट मैन, वेरी हार्ड एंड फास्ट। आई एम जस्ट इन लव विद दिस मशीन, स्पेशली दिस TFT स्क्रीन मैन। इतने दिनों से 390 चला चला के, सेम इंजन चला चला के मैं बोर ही हो चुका था, आज कुछ नया चलाने को मिला और इससे सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे लगा नहीं था कि इतना अच्छा काम किया है KTM वालों ने, बट आज फील हो रहा है कि यस दे हैव रियली वर्क अ लॉट विद दिस मशीन। गाइस आई होप कि आज के इस वाले वीडियो में आप लोगों को थोड़ा बहुत मज़ा आया होगा। हमने ड्यूक 390 जेन 3 चलाई है और इसमें सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आई होप कि आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा हमारे साथ। इसी के साथ ही गाइस इस वाले ब्लॉग को मैं यही बैन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का हमारा ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगे तो बस कुछ नहीं करना है, एज यूजुअल चैनल को बस थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देना, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना। आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियोज़ बनाता हूँ बट आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, उससे मुझे बहुत ज़्यादा दुख होती है। अगर अच्छा लगे तो बस कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम हैंडल हमारा नीचे डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मैं सौरभ आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइड हार्ड, स्टे सेफ, गुड बाय।